बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेम लाइक आप कह लो कि वहाँ करें वो पास हो जाएं और इनका एडमिशन हो जाए। मेरे नाम पे डिपार्टमेंट बना हुआ, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से फिट फार होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम कहाँ पे हैं, लेट मी शो यू। We are in University of Santa Catarina. I mean Federal University of Santa Catarina. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। Santa Catarina state के अंदर हम रहते हैं, तो ये इसकी Federal University है, आप कह सकते हैं Government Sector University जो होती है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टेट की। तो basically मेरी दो sisters का test था यहाँ पे, ठीक है, उनकी bachelor's की degree के लिए entrance test था आज उनका। तो अभी वो अंदर गई हुई एग्ज़ाम हॉल में टेस्ट देने, इंशाल्लाह दुआ करें वो पास हो जाएं और इनका एडमिशन हो जाए। तो मैंने कहा कि अगर हम यूनिवर्सिटी आए हुए हैं तो क्यों ना आपको भी दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं। फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूं यहां पे। इसको कहा जाता है UFSC, अगर आप देख रहे हैं ना, ये देखें UFSC, यानी कि यूनिवर्सिटाज फेडरल दी सांता कैथरीना, यानी कि फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ सांता कैथरीना, ठीक है। और बाकी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सेम लाइक आप कह लो कि पंजाब यूनिवर्सिटी है जैसे लाहौर के अंदर, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है ना ये, तो बहुत बड़ी, यानी एक किस्म का सिटी बना हुआ अंदर पूरा। आप फिरो यहाँ पे, आप इवन गाड़ी में फिरेंगे तो आपको मिनिमम भी मेरा ख्याल है कि 4-5 घंटे लगेंगे पूरी यूनिवर्सिटी विज़िट करने में। तो 4 घंटे का तो मेरी सिस्टर्स का टेस्ट है अभी, तो अंदर गई हुई, तो मैंने कहा क्यों ना हम 4 घंटे में एक्सप्लोर करें यूनिवर्सिटी को जितना फिरा जा सकता है। मतलब हर चीज़ की, हर बिल्डिंग्स अलग अलग बनी हुई हैं, हर फील्ड के, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट अलग है और मतलब मैथमेटिक्स का अलग है, मेडिकल का अलग डिपार्टमेंट है। बेसिकली आज है तो संडे, लेकिन जो टेस्ट वाले लोग हैं जिनके टेस्ट थे आज, एंट्रेंस टेस्ट, वो आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी ओपन ही होती है संडे को भी। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा वॉक अराउंड देता हूँ इसका, आप अगर चेक करें लाइक ये देखें, अब ये सामने जो है पी डिपार्टमेंट्स है कोई, ये बिल्डिंग जो है कंप्यूटर साइंसिस की है, ठीक है। इस तरह ये जो है ये सेंटर ऑफ दी कल्चूरा, यानी कल्चूरा कहते हैं कल्चरल एंड इवेंट्स का सेंटर है, या सेंटर ऑफ इवेंट्स एंड कल्चर, यहाँ पे इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं। इस तरह वो सामने भी डिपार्टमेंट है, वो इंग्लिश कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। इस तरह हर डिस्टेंस पे काफ़ी सारे जो है ना डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं सेपरेटली, ठीक है। तो इस तरह ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यानी विज़िट करने वाली यूनिवर्सिटी, बहुत खूबसूरत भी बनाई हुई है। कुछ बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पे वो ओल्ड स्ट्रक्चर की हैं, यानी क्योंकि काफ़ी पुरानी बनी हुई है यूनिवर्सिटी है। जब ब्राज़ील की ये सिटी फ्लोरानोपोलिस जो है फाउंड हुई थी, यानी फाउंडेशन में आई थी, तब से यूनिवर्सिटी का जो है ना ये, इसकी क्या कहते हैं उर्दू में, इसकी तामीर रखी गई थी, यानी ठीक है इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो आज धूप भी निकली हुई है, ये अच्छी बात है क्योंकि सर्दी बहुत है। मैंने ये देखे अभी नीचे स्वेटर पहना हुआ है, यहाँ पे 10 डिग्री चल रहा है मिनिमम इस सिटी के अंदर भी। ब्राज़ील में पूरा भी विंटर स्टार्ट हो गया, लेकिन आज थोड़ी धूप निकली हुई, मौसम अच्छा हुआ होगा। तो यूनिवर्सिटी का आपको सब बता रहा हूँ और साथ साथ दिखाऊंगा भी आपको कि कैसी है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। इस तरह आप आगे आगे आई जाए अगर, तो ये देखें ये ग्राउंड बनी हुई है, मतलब ग्राउंड तो नहीं है, मतलब वॉकिंग एरिया टाइप है। यहाँ से क्रॉस करके आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, इधर से उस तरफ और उधर से इस तरफ आ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यस यही है, और आप साथ साथ देखें और एक्सप्लोर करी जाएं। अभी ये देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स यहाँ फिर रहे हैं इधर उधर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अंदर हॉस्टल्स भी बने हुए हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे वो हॉस्टल्स में रहने वाले होंगे, ठीक है। और ये पता नहीं किसकी तस्वीर बनी हुई है, इनका कोई होगा। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप सामने देखें वो भी कोई डिपार्टमेंट है, मुझे पढ़ने नहीं क्या लिखा हुआ, इस्टो जानशी दी पोतोस बायो इबोटिक्स, अच्छा इबोटिक्स कोई डिपार्टमेंट होगा, पता नहीं पुर्तगीज़ में कहते हैं, इस्टो जानशी कहते हैं स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट। सो यार आंखें नहीं खुल रही, इतनी धूप निकली हुई है। अच्छा इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है इस यूनिवर्सिटी की, यार यहाँ पे टोटल पढ़ाई जो है वो फ्री है, आप किसी भी किस्म की डिग्री कर लें, नो चार्जेस एट ऑल। ये गवर्नमेंट और फेडरल सेक्टर के अंदर यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है। अब मेरी जो सिस्टर्स, अगर फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह उनका एडमिशन होता है, तो अगर डिग्री करती हैं तो 4 ईयर्स एंड 8 मंथ्स की डिग्री है, वो टोटली फ्री हो गई गवर्नमेंट की कॉस्ट पे। अच्छा यार मुझे ना एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई है यहाँ पे, लिखा हुआ है इन्फॉर्मेश साथ,
यानी कि शाह जी भाई का नाम लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों मेरे नाम पे डिपार्टमेंट बना हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। मैं इसी तरह चल के अब आगे आगे आ रहा हूँ और ये है बेसिकली, मैंने पूछा उनसे, ये बिल्डिंग है CSS कंप्यूटर साइंसेस और आगे पता नहीं क्या वो ऐसे एब्रीवेशन बन रही थी उसकी। और ये सामने जो बिल्डिंग है ये IT एंड कम्युनिकेशन की बिल्डिंग है, ये जिस पर टावर साहब ऊपर टंकी सी बनी हुई है। तो ये हिसाब है। अब मैं रोड क्रॉस करके उधर जा रहा हूँ आपको दिखाने लगा कि जहाँ पे मेरी सिस्टर्स का जो है टेस्ट हो रहा है वो कोई और डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जिस चीज़ की उन्होंने डिग्री करनी है उस डिपार्टमेंट में उनका टेस्ट हो रहा है। ये देखें पार्किंग्स बनी हुई हर डिपार्टमेंट की। अब मैं चल के रोड क्रॉस करके उधर जाऊँगा, उसके रोड की उस तरफ जो है दूसरा डिपार्टमेंट है, उधर अलग पार्किंग है, अलग कैफ़े उनका, ठीक है, हर चीज़ अलग है वहाँ पर, कैफेटेरिया वगैरह हर चीज़ अलग है। और मैं आपको दिखाता हूँ आगे, ये मैं रोड क्रॉस करके उधर जाने लगा हूँ। अब ये देखें सेम वैसे ही बना हुआ ना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरह का सिस्टम है, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं। ये देखें ये बकायदा रोड आ रही है यहाँ से, इधर से भी रास्ता आ रहा है और ये डिपार्टमेंट है यहाँ, इसके बैक साइड पर बिल्डिंग है, उधर टेस्ट दे रही हैं वो मेरी सिस्टर्स। ये यहाँ से भी रोड दूसरे डिपार्टमेंट पर जा रही है, देख रहे हैं आप। तो अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें ये इस तरह करके ना, ये यहाँ पे उन्होंने पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह दीवारों पे सारे साइन बोर्ड्स लगे होते थे। ये हॉस्पिटल है यूनिवर्सिटी का इस तरफ, ये जो मैंने आपको दिखाया कल्चर एंड इवेंट सेंटर, मैं उस तरफ से आ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह ये नीचे हर डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है, CCS कहते हैं साइंसियस एंड सऊजी, यानी कि हेल्थ एंड साइंस डिपार्टमेंट। सऊजी कहते हैं हेल्थ को पुर्तगीज़ में, साथ साथ पुर्तगीज़ भी सीखे मेरे, समझ रहे हैं। अच्छा व्लॉग तो चल रहा है, मुझे एकदम याद आया कि ना सबसे पहले थोड़े से शॉर्ट्स देखें यूनिवर्सिटी एंटर होने के, एंट्रेंस के, तो मुझे याद नहीं रहा बताना आपको, वो आप देखें अभी आके। ये अभी मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में आया हूँ, ये देखें क्लिनिकास और डेंटोलॉजिकास लिखा हुआ है, और डेंटोलॉजिकास कहते हैं डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर को, ठीक है। ये डेंटिस्ट से रिलेटेड जो है डिपार्टमेंट है ये सारा, ये यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है। अभी सारा कुछ बंद है, शोर नहीं है, क्योंकि अभी ना वो संडे है, क्लासेज नहीं है आज मेरे ख्याल है इस वजह से। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, साथ साथ मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और एक्सप्लोर कर रहा हूँ। स्टे विद मी। ओके कितनी एंटीक ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, ये ऊपर हेल्थ सेंटर है, हेल्थ डिपार्टमेंट। इस तरह ये इसका ब्लॉक सी गया एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का, अंदर से तो रेनोवेट किया हुआ उन्होंने, अंदर से जो है वो अच्छे बने हुए हैं, बाहर से बिल्डिंग्स का उन्होंने स्ट्रक्चर थोड़ा ओल्ड ही रखा है, वही इमेज प्रोवाइड की आपको कि आपको पता चले कि ये उस ज़माने की यूनिवर्सिटी बनी हुई है जब से ब्राज़ील जो है फाउंड हुआ था और उसके बाद इस स्टेट के अंदर यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। एक कैफ़े ये बना हुआ है किसी डिपार्टमेंट का, इस तरह के ना हट्स टाइप जो हैं, ये नज़र आ रहा हो आपको, ये हट्स टाइप इस तरह के बने हुए हैं हर डिपार्टमेंट के आगे ना, बड़े खूबसूरत किस्म के कैफेटेरियाज बने हुए हैं। अब मैं तीसरी रोड के ऊपर आ गया हूँ, मतलब मैं चल चल के पागल हो गया हूँ पैदल, लेकिन मज़ा भी आ रहा है एक्सप्लोर करने में ना चीज़ें। ये सामने बिल्डिंग आ गई है, क्या लिखा हुआ है एक मिनट, सेंट्रो टेक्नोलॉजी का, ये वही टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, यानी IT से रिलेटेड बिल्डिंग होगी। असल में मैं यार वो वीडियो के पार्ट्स इसलिए बना रहा हूँ बार बार, एक डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि मैं वही दिखाई दूँगा आपको तो पूरा व्लॉग उसमें ख़त्म हो जाएगा। मैं कुछ कुछ पार्ट्स दिखा रहा हूँ ताकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो भी एक्सप्लोर करें। अच्छा मैं दूसरी जगह पर आया था तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह इन्होंने ये तालाब सा बनाया हुआ है, ठीक है, इधर भी कुछ पार्क दे दिया, इधर भी लोग बैठे हुए हैं अभी स्टूडेंट्स, और एक सामने कोई डिपार्टमेंट है कन्वीनियंस सेंटर ऑफ कन्वीनियंस लिखा हुआ है ये पुर्तगीज़ में, ये भी कोई एंटीक स्ट्रक्चर की बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। इस तरह ये पार्क है, इसके सिर्फ ही बिल्डिंग्स हैं। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मज़े की, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखें माउंटेंस के ऊपर घर बने हुए हैं यहाँ पे। ये ना बहुत ही ज़्यादा ना खुले एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो इसके इर्द गिर्द जो आबादी लगती है वो अपार्टमेंट्स तो हैं ही हैं नॉर्मल, लेकिन कुछ इस तरह भी हैं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है माउंटेंस पे
कितनी कितनी ऊंचाई पे घर बने हुए हैं मकान, और ये बिल्कुल ना बाउंड्री लाइन आ गई यूनिवर्सिटी की। अब इसके इस तरफ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, पीछे इसके बैक पे ये सारा कुछ। A few inches later, 4 घंटे कैसे किल करने हैं, तो मैंने कहा क्यों ना खाना घर से बना के लाया जाए, क्या करें यहाँ पे बैठ के। आप देखें यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि असल में ना ये यूनिवर्सिटी जो है ये शहर से थोड़ा बाहर है, यानी हटके है थोड़ा सा सिटी से, तो लोगों के बच्चे टेस्ट देने आए हुए वो भी यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं अब 4 घंटे के, उनके एक ही बारी साथ लेके जाएंगे घर, क्योंकि हम अभी वापस अगर चले जाते हैं फिर हम आएंगे तो फिर घंटे का रास्ता वापस आने का। तो हमने कहा क्यों ना खाना पीना जो है साथ ले आएँ, और भूख की शिद्दत जो है बढ़ती जा रही है, तो कोई खाना खा लूँ उसके बाद मिलता हूँ आपको। मैं यहाँ पर बैठ के खाना खा रहा था, मैंने कहा पीछे क्या चीज़ उड़ रही मेरे, तो इधर भी इन्हें शौक है पतंगबाजी करने का पाकिस्तान की तरह। वो देखें केला लगा हुआ है पतंग उड़ाने, फर्स्ट टाइम देखा मैंने ब्राज़ील के अंदर, वो इसकी पतंग उड़ रही है क्या ये डोर, हाँ डोर कहते हैं ना, डोर से पतंग उड़ा रहे। लोतेका सेंट्रल बिबलोतेका कहते हैं लाइब्रेरी को, ये यहाँ की लाइब्रेरी है। ये देखें काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की ना लाइब्रेरी लग रही है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूरी बिल्डिंग है, 2 फ्लोर है मेरा ख्याल है इसके, तो जो है अच्छी लग रही है लाइब्रेरी। अब असल में बंद है ना, मसला ये है कि बंद है यूनिवर्सिटी संडे आज, डिपार्टमेंट्स बंद है, सिर्फ वो ट्रस्ट जिनका हो रहा है वो खुले हुए हैं डिपार्टमेंट। कल कुर्सियाँ ही नज़र आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन इन्हीं से यादें ताज़ा हो गई, बड़ा दिल कर रहा है फिर से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और फिर पढ़ूँ। ऐसी पाकिस्तान में लाइब्रेरीज होती थी यूनिवर्सिटीज़ की, पढ़ा करते थे हम वहाँ बैठ के, जब हम पढ़ा खूब अच्छे होते थे। हाँ जी सिस्टर्स दे आई हैं टेस्ट, बल्कि एक दे के आई है, कभी भी अंदर है पता नहीं क्या लिख रही है, अल्लाह खैर करे। पुर्तगीज़ में सारा टेस्ट था, कैसा हुआ, क्या क्या है था? टेस्ट अच्छा ही है तकरीबन, आधे तुक्के मारे हैं, तुक्के मारे आधे आधे सही दे के आए हैं, अच्छा हो रहा है। MCQs टाइप था, कि MCQs भी थे, क्वेश्चंस ऐसे राइटिंग भी था, लेकिन पुर्तगीज़ में था सारा। बस अल्लाह है करे, रिजल्ट आना चाहिए 6 दिन के बाद ऑनलाइन, तो देखते हैं क्या आता है। अपनी तरफ से तो जिनकी तैयारी थी कोशिश अच्छी करके आई हैं, बाकी देखते हैं जाके कि क्या बनता है क्या नहीं बनता इंशाल्लाह। तो चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगले लोगों की मुलाकात होगी, आई होप कि आपकी ब्लॉग पसंद आए हो। अपने गिरदो नमा, अपने हमसायों रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। जब आए थे तब आपके सामने रश नहीं था, क्योंकि सब लोग टेस्ट देने गए थे, अभी इतना शदीद रश हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें आप, यानी ट्रैफिक इस टाइम बिल्कुल जैम है।